नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। लेकर आ गई हूं शो इलेक्शन व्हील और इस शो में हम आपको दिखाते हैं 11 प्रदेश की 11 बड़ी इलेक्शन की खबरें। यहां पर आप देख रहे हैं चुनावी चक्का, इसे घुमाया जाता है और फिर जिस प्रदेश पर आकर ये रुकता है उस प्रदेश की इलेक्शन खबर आपको दिखाई देती है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो की, घुमाते हैं इस चक्के को और देखते हैं कि पहला प्रदेश निशाने पर कौन सा आता है और फिर उस प्रदेश से हम आपको दिखाएंगे बड़ी इलेक्शन की खबर। पहिया धीरे धीरे चल के रुकने लगा है, उसकी स्पीड धीरे हो गई है। आप देखते हैं वो किस पर रुकता है, ये धीरे धीरे जाकर रुक गया है राजस्थान पर। राजस्थान की एक बड़ी खबर हम आपको बताएं कि यहाँ के गवर्नर ने कुछ ऐसा कहा कि वो हो गया आचार संहिता के खिलाफ। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा। राजस्थान से इलेक्शन व्हील खबर। नमस्कार, अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बोलना राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल कल्याण सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि पीएम मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब कल्याण सिंह के इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और इसे आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र भी लिखा। माना जा रहा है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते कल्याण सिंह को राज्यपाल का पद भी छोड़ना पड़ सकता है। न्यूज डेस्क। तो ये थी राजस्थान की बड़ी इलेक्शन व्हील खबर। तो फिर से शुरुआत करते हैं, अपने चक्के को घुमाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगली खबर आपको कौन से प्रदेश की दिखाई जाएगी। लोकसभा इलेक्शन का माहौल चल रहा है, हर तरफ राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां और साथ ही नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जाकर रुक गया है हमारा चक्का हरियाणा पर। हम आपको बता दें कि हरियाणा की सबसे बड़ी इस वक्त इलेक्शन व्हील खबर कौन सी है। तो ये अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हरियाणा की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी में पेंच फंस गया है। रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटों पर पेंच फंसने की बड़ी वजह कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह हैं। बीजेपी डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि अरविंद शर्मा ने करनाल लोकसभा सीट से बाहर किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सोनीपत और करनाल से 3 बार सांसद रह चुके अरविंद शर्मा के इस रुख से बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरविंद शर्मा के इस स्टैंड के बाद बीजेपी के लिए रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के सामने मजबूत प्रत्याशी का चयन जहां बड़ी चुनौती बन गया है, वहीं अरविंद शर्मा का करनाल से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। न्यूज डेस्क। तो अभी आपने देखी हरियाणा से बड़ी इलेक्शन व्हील खबर जिसने मचा रखी है पूरे प्रदेश में और साथ ही साथ वहां की जनता पर भी असर डाल रही है ये खबर। अपने शो को यूं ही जारी रखते हैं, इस व्हील को घुमाते हैं और देखते हैं कि अगला प्रदेश हमारा कौन सा आता है। फिर आपको दिखाएंगे उस प्रदेश की बड़ी इलेक्शन की खबर। चक्का धीरे धीरे नहीं पूरी तरह से रुक चुका है और ये तीर निशाने पर लगा है बिहार। हम आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव इस समय पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। एक सभा में उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू चाचा तक कह डाला। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं बिहार से यानी पटना से ये इलेक्शन व्हील खबर। तो अभी आप अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कटिहार में महागठबंधन प्रत्याशी तारिक अनवर के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बरारी हाईस्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जहां गरीब को कोई नहीं पूछेगा और एक बात समझ लीजिए, दोबारा अगर हम लोग मौका चूक जाएंगे इस बार और दोबारा वो लोग फिर से नागपुरिया कानून वाले आ गए तो एक बात समझ जाइए, दोबारा चुनाव होगा कि नहीं होगा इस देश में, हमको तो नहीं लगता कि चुनाव होने दें। तो एक वोट से सरकारें पलट जाती हैं, कोई भी हार जाता है, जिता सकते हो,
और ये अधिकार लोकतंत्र से समझिए कि डेमोक्रेसी को ये लोग खत्म कर देगा, जैसे हमारे पलटू चाचा डर करके अपने विचार बार बार पे पलटी मारते रहे, बार बार पे पलटी मारे कि नहीं मारे, कोई गारंटी ले सकता उनका? नहीं, कोई नहीं। आप लोगों का वोट ले लिए, हम लोगों का समर्थन पूरा ले लिए, लालू जी को विश्वास हो गया, चलो कोई नहीं, गलती जितना पहले का माफ कर करके अपना लिए, सबसे ज्यादा आरजेडी को सीट होते हुए भी उसको मुख्यमंत्री बना दे, उनको बनाने के बाद उन्होंने आप लोगों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, मेरे और लालू जी और आरजेडी से लेना देना नहीं। नेता प्रतिपक्ष के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा भी उपस्थित रहे। सांसद झा ने लोगों से कहा कि अगर फिर से मोदी सरकार सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। 18 अप्रैल को आपका वोट तारिक अनवर साहब के लिए नहीं है, आपका वोट संविधान बचाने के लिए है, आपका वोट आरक्षण बचाने के लिए है, आपका वोट लालू जी की बात याद रखिए, अगर हम इस बार नहीं बचे, हम में से कोई नहीं बचेगा, ये सब कुछ बेच बाज कर विदेश भाग जाएगा। जय हिंद। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार मुखिया पर जमकर हमला किया। उन्होंने बार बार लोगों से संविधान बचाने के नाम पर महागठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट। तो इलेक्शन व्हील में हम आपको दिखा रहे हैं आपके 11 बड़े प्रदेशों की 11 बड़ी इलेक्शन की खबरें। फिर से इस व्हील को घुमाते हैं और देखते हैं कि अगला प्रदेश कौन सा आता है, फिर आपको दिखाएंगे उस प्रदेश की बड़ी इलेक्शन से रिलेटेड खबर जिसने मचा रखी है वहां पर धूम, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। हर जगह पार्टियां हों या नेता हों, बस जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें जीत हासिल करनी है। फिलहाल यहाँ पर चक्का घूमते घूमते रुक गया है पंजाब पर। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कौन है वो उम्मीदवार, देखिए इस इलेक्शन व्हील न्यूज में। तो अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए पंजाब में प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल ने राज्य के 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों में शिरोमणि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर भी शामिल हैं। और खास बात यह है कि इन 5 सीटों में से शियद ने इस बार 4 पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। आइए जानते हैं कि इन उम्मीदवारों पर शिरोमणि अकाली दल ने किया है भरोसा और किसे कहां से मिली है टिकट। खडूर साहिब से बीबी जागीर कौर, जालंधर से चरणजीत सिंह अटवाल, श्री आनंदपुर साहिब से प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पटियाला से सुरजीत सिंह रखड़ा, फतेहगढ़ साहिब से दरबारा सिंह गुरु। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 10 पर शिरोमणि अकाली दल और 3 पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। शिरोमणि अकाली दल ने तो 5 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कब 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। न्यूज डेस्क। तो पंजाब से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील बड़ी खबर, और अब फिर से घुमाते हैं अपने इस चुनावी चक्के को और देखते हैं कि कौन सा प्रदेश आकर तीर निशाने पर लगता है और फिर उस प्रदेश की बड़ी इलेक्शन खबर आपको दिखाई जाएगी। क्योंकि लोकसभा चुनावों में इस वक्त 2 ही चेहरे हैं प्रधानमंत्री के दावेदारी के लिए, एक पीएम मोदी और साथ ही साथ राहुल गांधी। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं कि चक्का कहाँ जाकर रुका है। चक्का रुका है झारखंड पे। आपको बता दें कि महागठबंधन ठग एक बंधन है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहा है दीनदयाल वर्णवाल ने। कहां पर और कब, ये देखिए इस इलेक्शन व्हील न्यूज में। तो पंजाब से अभी आपने देखी इलेक्शन। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात की और अपनी बात रखी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये देश का निर्माण करने वाले और देश को खोखला करने वालों के बीच का चुनाव है। लोकतंत्र में सभी को
स्वतंत्रता है, चुनाव लड़े, लड़ना चाहिए और लड़ने के बाद उनको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी चल रही है इस आंधी में कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने बात कर रही है। मैंने उस पर बयान दे दिया है वही कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि उनको ये बयान देने का ना कोई अधिकार है और ना ही ऐसे बयान देने के लिए वो अधिकृत है। व्यक्तिगत अगर कोई लड़ाई है तो व्यक्तिगत जाकर उनको अपनी लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत रखना चाहिए। अगर मीडिया में आना है तो मीडिया में जैसे ही आते हैं तो ये इसे पार्टी गंभीरता से लेती है। महागठबंधन लोगों के लिए ठगबंधन साबित होगा, ये एक दूसरे को मूर्ख बनाने का बंधन है। कहीं से किसी भी तरह का आपसी गठजोड़ कुछ भी नहीं है। किस तरह से मोदी जी की सरकार न आए इसके लिए सभी लूटपाट मचाने वाले विपक्षी जिस जो 3800 करोड़ का घोटाला झारखंड का सिर्फ किए हैं, ऐसे लोग मिलकर मोदी जी की सरकार को फिर से लाने से रोकना चाहते हैं। जबकि 125 करोड़ जनता अब की बार फिर मोदी सरकार के नारों के साथ दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और ऐसे नापाक गठबंधन को जनता खारिज करेगी। वहीं भाजपा सांसद सह प्रत्याशी पशुपति नाथ सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर उनके दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाली चार बार धनबाद की सांसद रह चुकी प्रोफेसर रीता वर्मा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही। भारतीय जनता पार्टी में एक बार अगर टिकट की घोषणा हो गई तो प्रखंड के स्तर के नेता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता का समर्थन और उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ जिताने में लगना चाहिए, अनर्गल बातों में नहीं लगना चाहिए। वो होना चाहिए लेकिन हो कुछ और रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है और इससे पार्टी को मैं अवगत कराऊंगा और पार्टी देखते हैं, पार्टी कुछ ना कुछ जरूर निर्णय लेगी कि इस तरह की बातें दोबारा ना आए। आपको बता दें कि धनबाद का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। धनबाद से न्यूज के लिए नीरज की रिपोर्ट। तो झारखंड से अभी आपने देखी बड़ी इलेक्शन व्हील खबर जिसने मचा रखी है पूरे प्रदेश में हलचल। तो फिर से घुमाते हैं अपना चुनावी चक्का, यानी कि इलेक्शन व्हील शो की जो प्रथा है, चक्का घुमाया जाता है और फिर जो प्रदेश आता है उसके इलेक्शन की खबर आपको दिखाई जाती है। पहिया धीरे धीरे रुक गया है और ये रुका है उत्तर प्रदेश पर। तो आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह के सपा में शामिल होने पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा इस इलेक्शन व्हील बड़ी खबर में। तो अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता 6 बार सांसद से विधायक, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य, देश के प्रतिष्ठित गुर्जर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने और उनके दो पुत्रों ने मुझसे मिलने का समय मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्यालय में बैठा हुआ था। मैंने कहा मैं आया था, मुझे जानकारी मिली थी, उन्होंने मिलने का समय मांगा है, लगातार लखनऊ में है। मैंने उनको बोला जी धन्यवाद, मैंने कहा हो सकता आपकी किसी समस्या को लेकर क्या है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हम शामिल हो सकते हैं। मैंने कहा जी ऐसी कौन सी क्या प्रश्न है, आप इतने प्रतिष्ठित नेता हैं, आप 6 बार विधायक रहे हैं, आप विधान परिषद के सदस्य हैं, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, और आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, तब तक उनका लड़का बोल रहा, लड़का सामली का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख, उससे बोला, कहा कि देखिए साहब हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, जब हम अपने घर में जाते हैं तो हमारे घर की महिलाएं समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर के कहते हैं क्या तुम लोगों का झंडा लेकर के चल रहे हो, और हमें दिखाती है कि क्या लोगों का झंडा लेकर के चल रहे हो, आखिर बीजेपी ने और योगी जी ने क्या बिगाड़ा है, क्यों उनके साथ आप लोग खड़े नहीं हो सकते। तो मैंने कहा भी ऐसा क्या परिवर्तन आपको दिखा साहब, आज हमारी बहन और बेटियां किसी भी समय
सड़कों पर जाकर के, स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के, विश्वविद्यालय जाकर के, कहीं भी अपना कार्य के किसी भी समय जा सकते, दिन हो रात हो, कोई उनको भय नहीं है। यह भय मुक्त वातावरण देने का कार्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और उसको देखते हुए हमारे परिवार की महिलाएं हमें इस बात के लिए निकाल की क्या भूतों का चिंता नहीं करके चल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि झंडे को तिरंजलि देकर के अच्छा अवसर आया है जब हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने देखा होगा मीडिया में पता नहीं आया कि क्या है, लेकिन मैं अन्य जगह नहीं गया, लेकिन उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ज्वाइन कराने के लिए जरूर मैंने कहा एक अच्छी मंच, मैंने कहा कोई शब्द, उन्होंने कहा कोई शब्द नहीं, मैंने कहा टिकट, कहा कोई टिकट नहीं, ना आज के लिए ना आगे के लिए, हम केवल इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं कि हमने इतनी राजनीति की है लेकिन पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ विकास के मिशन को और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई हो रही है हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अभी आपने देखी उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं वहां की इलेक्शन व्हील खबर। तो फिर से शुरुआत करते हैं, इस चक्के को घुमाते हैं और देखते हैं कि अब कौन सा प्रदेश आकर निशाने पर रुकता है और फिर उस प्रदेश की बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे जो होगी इलेक्शन से रिलेटेड और पूरे प्रदेश पर असर डाल रही होगी। तो ये पहिया धीरे धीरे चल रहा है और रुकने वाला है और ये जाकर रुका है उत्तराखंड पर। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त क्या घमासान मचा हुआ है, एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की इलेक्शन व्हील न्यूज पर। तो अभी आप अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हरिद्वार के बीजेपी विधायकों के बीच पत्नियों के राजनीतिक वर्चस्व को लेकर छिड़ा सियासी तकरार काफी बढ़ गया है। मामला पुलिस थाने से अब पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है। जबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने संगठन मंत्री शिव प्रकाश से विधायक कुंवर सिंह के खिलाफ शिकायत की। इतना ही नहीं, देशराज ने तो चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। वहीं विधायक कुंवर सिंह चैंपियन भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी बंद कमरे में देशराज के खिलाफ भी शिकायत की। जब मीडिया ने दोनों विधायकों से बात की तो उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी तीर चलाए। आज राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हमारे बीच में हैं, मैं उसको पत्र दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अलग बैठ के मैं आपसे बात करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है अपनी पार्टी पर कि 11 तारीख के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई चैंपियन के खिलाफ होगी कि वो कभी सोचा भी नहीं होगा। माफ़ी मांगना, हर गलती करना, माफ़ी मांगना उनकी आदत बन गई है, उनकी आदत में शुमार हो गया है माफ़ी मांगना। इसरा ने कितने चुनाव जीत लिए, मोदी जी की हवा में पहली बार टिकट मिला तो विधायक बन गए और वो भी हमारे बल पे। मेरे ताऊजी श्री कृष्ण कुमार जी 15 दिन झबरेड़ा विधानसभा में रहे, नहीं तो गुजर समाज के मत ना मिलते इनको। गुजरों ने देशराज को जिताया है और आज गुजर समाज के लोगों के खिलाफ ये मुकदमे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इनको पता लग जाएगा बहुत जल्दी। तो एहसान फरामोश जो झूठा व्यक्ति है, झूठे आदमी की बात पे क्या जाना, हम क्यों मारेंगे भैया किसी को, ये तो बताइए। ये 10 दिन से हमारे खिलाफ बकबक कर रहे हैं, हमने तब कुछ नहीं कहा। अभी भी मेरी संगठन से बात हुई, हमने आदरणीय शुभ्रकाश जी को बता दिया है कि साहब इस तरह की कार्रवाई है, अब आप देख लीजिए। इन्हें दिक्कत क्या है आपसे, उससे पूछिए ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों विधायकों के घमासान को लेकर पार्टी प्रत्याशी निशंक से लेकर बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष तक इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रहे हैं और हम दोनों लोगों को समझाएंगे और वो हमारे विधायक हैं, कई बार वो गलतफहमियां हो जाती है तो इतना बड़ा परिवार है हमारा और उसमें थोड़ा बहुत छुटपुट हो जाती है लेकिन हम संभाल लेंगे दोनों विधायक हमारे। मैंने बताया ना, कोई भी गलती होती है उसका फर्क पड़ता है और हम उसको ठीक कर रहे हैं, कर लेंगे। अब ये कुछ कहा नहीं जाएगा, उसको ठीक ही किया जाएगा। विधायकों की लड़ाई चल रही है, पूरी गंभीरता से पार्टी ले रही है उसको, पार्टी उसको पूरी गंभीरता से ले रही है, पार्टी उसका हल निकाल रही है। फिलहाल पार्टी नेताओं की तरफ से तो विधायकों की इस लड़ाई को सुलझाने का दावा किया जा रहा है लेकिन दोनों विधायकों की तरफ से हो रही बयानबाजी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हरिद्वार से न्यूज के लिए हरीश कुमार की रिपोर्ट। तो जम्मू कश्मीर से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की बड़ी खबर।
तो शो चल रहा है यूं ही, और आपको 11 प्रदेश की 11 बड़ी खबरें भी हम यूं ही दिखाते रहेंगे। लेकिन चुनाव की हर अपडेट के लिए न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिलहाल हम नहीं भूलते हैं इस चुनावी चक्के को घुमाना, क्योंकि जब ये घूमेगा और रुकेगा तब हमें पता चलेगा कि कौन से प्रदेश की खबर आपको दिखानी है अगली, जो होगी इलेक्शन से रिलेटेड खबर। तो हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस कौन होगी अगली सरकार, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा पहिया रुक चुका है हिमाचल में जाके, तो आपको दिखाते हैं हिमाचल से बड़ी इलेक्शन व्हील खबर। तो अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो हिमाचल की इलेक्शन व्हील बड़ी खबर के बाद अब फिर से शुरुआत करते हैं अपने शो की, और आपको दिखाते हैं कि अगला प्रदेश आखिर कौन सा होगा। हम बात कर रहे थे कि बीजेपी या कांग्रेस किसने जीता इन 5 सालों में जनता का दिल, क्या सरकार जीत पाई या विपक्षी पार्टी ने कुछ ऐसा किया कि जनता अब उनकी तरफ जाएगी, ये देखना होगा आगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि चक्कर रुक चुका है मध्य प्रदेश पर, तो एक नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी इलेक्शन व्हील न्यूज पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सभी वार्डों में हम जा रहे हैं और सभी वार्डों में, हर वार्ड में जाके बूथ स्तर तक के काम कैसे करना, हर बूथ पे कमल के फूल की जीत कैसे होना चाहिए, और एक ईमानदार सरकार को चुनने के लिए हम संदेश दे रहे हैं। ताई, एक सवाल और आपसे जुड़ा हुआ है कि विकल्प की बात यहाँ पर बार बार की जा रही है, ताई का विकल्प तलाश लिया गया है, तो क्या ऐसा है कि तलाश लिया गया विकल्प? तलाशना चाहिए, क्यों नहीं तलाशना चाहिए, यानी कहा जाए कि चाबी अब आप देने को तैयार है? कमल के फूल पे जाएगी वो बात खत्म, कमल का फूल लड़ता है चुनाव, चाबी देना संगठन तय करता है। तो ये था इलेक्शन व्हील खबर में खबरों का सिलसिला, जहां हमने आपको दिखाई 11 प्रदेश की बड़ी इलेक्शन की 11 खबरें। इसी तरह हम आपको इलेक्शन की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करके बताइए कि और कौन सी खबर है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ये चुनावी चक्का यूं ही घूमता रहेगा जब तक इलेक्शन चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें विदा। Thank you.